अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? अपने साइट के ऊपर मौजूद हैं आज, फार्म हाउस की, कैटल फार्म, डेयरी फार्म, पिकनिक फार्म के प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं और यहाँ की आपको थोड़ी सी अपडेट दिखाएंगे। माशाल्लाह से ढाई तीन महीने पहले, चार महीने पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्या प्रोग्रेस है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रोग्रेस है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये आप चेक करें। एक ये माशाल्लाह से फार्म तैयार हो चुका है, सामने एक फार्म तैयार हो चुका है, इसी के बराबर में जो आपके सामने फार्म नज़र आ रहा है, इसके साथ ही माशाल्लाह से तीन फार्म मजीद बन चुके हैं और ये मेरे पास कॉर्नर का प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है इस फार्म के बिल्कुल बराबर में और उस फार्म से पहले। ये 35 फीट वाइड रोड है, इस तरीके से आगे जा रहा है, यहाँ पर ये कॉर्नर का प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। इसके साथ इसके अलावा ये सामने चेक कर सकते हैं, ये भी पूरा फार्म जो है ना बन चुका है। ये सारे फार्म खाली जो प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये सेल आउट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ की जगह डेडिकेटेड है, कैटल फार्म, डेयरी फार्म, पिकनिक फार्म, कुछ भी काम कर सकते हैं यहाँ पर इजीली, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। 35 फीट वाइड रोड है माशाल्लाह से, कोई गंदगी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा इलाका है। कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको चाबी आपके हाथ में रख देंगे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट दें तो बहुत अच्छे यहाँ पर लोग हैं, ईजिली कोऑपरेटिव हैं, आप काम करें, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ईजिली आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। गडाप टाउन के अंदर बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लोकेट करते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त एक सोसाइटी बनने के लिए जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार कैटल फार्म, डेयरी फार्म यहाँ पर बन चुके हैं, अभी माशाल्लाह से मज़ीद यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अभी एक फार्म पे आपको लेके चलना है, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, एक 2000 गज का फार्म बन रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर उसको देखते हैं ज़रा, किस तरीके से बन रहा है और क्या डेवलपमेंट है यहाँ की। अगर शुएब भाई यहाँ पर हुए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा फार्म के बारे में भी यहाँ पर मालूमात करेंगे और उनका नंबर भी देंगे। अगर आपने डेवलपमेंट वगैरह करवानी हो, कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए यहाँ पर फार्म हाउस बनवाने के लिए, तो आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम साईं, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? ये जी इंटर हो चुके हैं हम यहाँ पर माशाल्लाह से, इनके फार्म के अंदर पिकनिक रिजॉर्ट बन रहा है और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम चल रहा है। तकरीबन 1 महीने का टाइम पीरियड रह गया, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरा फर्निश हो गया, ये कंप्लीट रेडी हो जाएगा। वो सामने जो है ना वो रूम्स वगैरह बन रहे हैं, शुएब भाई आए हैं क्या? आए, चले चलते हैं आगे, शुएब भाई से मालूमात करते हैं इस हवाले से कि कितना टाइम पीरियड के अंदर ये कम्प्लीट हो जाएगा और इसके अंदर क्या खर्चा वगैरह आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त दीवार बना रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लुक आ रहा है दीवार का और ये आगे भी ज़मीन जो है इससे भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। ये माशाल्लाह से जहाँ तक आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ये वहाँ तक का जो है वो प्लॉट है इनका, तकरीबन ये 8000 गज के करीब इनकी जगह है। डेवलपमेंट का काम यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है, पिकनिक फार्म बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ डिलीवर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ रखी नहीं है, सब डिलीवर कर देते हैं। 2-3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर जाता है। शुएब भाई के पास चलते हैं, ज़रा उनसे नंबर वगैरह लेते हैं, वो थोड़ा सा अपना अपने बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे कि वो किस किस्म का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, खैरियत से? तबीयत ठीक है? ये हमारे शुएब भाई हैं जो मैंने फार्म आपको भी विजिट कराया है, माशाल्लाह से उसके डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। शुएब भाई खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, ज़रा मुझे बताएं कि किस किस्म का आप काम करते हैं यहाँ पर, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे फार्म हाउस के हवाले से बनाने के लिए, क्या आप खाली पिकनिक फार्म बनाते हैं या कैटल डेयरी फार्म करने के एक्सपर्ट हैं? कैटल डेयरी हो गया, पिकनिक हो गया, फार्म हाउसेस, कैटल फार्म, सारी चीज़ों पर, मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क है वो हम करके देते हैं। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इसके अलावा भी कोई और साइट्स वगैरह चल रही है आपकी या सिर्फ अभी यहीं पर ही काम कर रहा है? मतलब यहाँ पे करने हैं नए, जो आपका फेस 11 लॉन्च हुआ उसका भी पहला प्रोजेक्ट मैं ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बाउंड्री वॉल का भी, वो कैटल फार्म बनने जा रहा है, ये फार्म हाउस बन रहा है, वो कैटल फार्म बन रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इसके अलावा कोई रेजिडेंशियल वगैरह के अंदर भी, जैसे जिस तरीके से आपसे हमारी बात, बैरियर टाउन पे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीसेंट 1 के अंदर हैं, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8, 280 स्क्वायर यार्ड के भी है, 500 स्क्वायर यार्ड के भी। मतलब आपके पास टीम है प्रॉपर, अगर कोई आपको कांटेक्ट देता है तो ऐसा नहीं है कि जो टाइम आपको कमिट करें उसके बाद तक आप जो है ना वो डिलीवर ना कर पाएं? इंशाल्लाह उससे लेस देन इंशाल्लाह हम काम करें। अच्छा 2000 गज का जो फार्म बन रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? ये तकरीबन हमने इनको कंप्लीट
फर्निश रेडी टू यूज के लिए 3 months का टाइम दिया है। अच्छा, ऑन ग्राउंड लेवल टू फिनिशिंग तक। फिनिश तक तकरीबन अभी महीना हो चुका है इसको। हाँ, महीना हो गया। महीना हो चुका है, 2 महीने रहेगा। बिल्कुल। चले जब ये फर्निश हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बनाएंगे और फिर पूछेंगे कि कितना एक्सपेंस इसके अंदर आया। तो इसके अंदर मेरे पास, मेरा जैसे आपको बताया, सिर्फ 2 प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं मेरे पास इसमें प्लॉट लेने के, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।